अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद है जी आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे जी, फिट फाट होंगे जी। तो माशाल्लाह जी दोस्तों, शुक्र है अल्लाह पाक का, चारों के चारों कबूतर पूरे हो गए हैं। एक मादी भी बैठी है जी, 11:30 बजे। तो दाना शाना डाला जी, मैंने कहा सबसे पहले इनकी देखभाल की जाए, उसके बाद फिर आपके साथ कंटिन्यू किया जाए। शाका कबूतर भी दोस्तों वापस आ गया जी। शाका किस टाइम आया? शाका कबूतर दोस्तों सुबह ही आ गया था। दोस्तों ये देखें जी, इसको गोल करने के बावजूद भी ये नहीं रुक सका। तो एक ये शाका कबूतर से दोस्तों, तो बाकी तीन है उस साइड में, तीनों दिखाते हैं आपको। मैंने कहा ज़रा आप दोस्तों को अपडेट दे दूं। एक ये टोपन मादी थी जी, जेलम वाली, ये 11:30 बजे बैठी, यही बैठी है ना 11:30, ये 11:30 बैठी है, और ये 9:30 बजे बैठी है दोस्तों। ये कल शाम को तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही थी, इतनी बुलंदी में थी, बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही थी। और एक ये मामू वाला कबूतर था, ये बैठा हुआ है, ये है जी दोस्तों। इसको भी बाहर निकाल कर आपको प्रॉपर शो करवाऊँ, ये है जी। शुक्र है अल्लाह पाक का जी, चारों के चारों कबूतर पूरे हो गए जी, जिनमें 2 नर थे और 2 मादियाँ। बाकी ये कुछ अवैस भाई ने कबूतर निकाले हुए जी, बाहर उड़ाए थे, बैठ गए। तो आज दोस्तों इनको जो भी अपने मेन मेन कबूतर हैं उनके पर शर गोल करेंगे, ताकि आपको पता है कि किसी टाइम भी बंदा निकाल लेता बाहर, लेकिन चलें ये तो होगा, बचत हो जाएगी। अच्छा दोस्तों आपको एक और अपडेट देते हैं जी, एक मादी हमारी कितने दिन पहले रही थी, हफ्ता एक पहले एक मादी मारी रह गई थी जी दोस्तों। तो वो ऊपर आई है जी, वो ये बैठी हुई, ये आगे आगे चलती है, ये किसी ने पकड़ ली होगी तो निकाली होगी तो वापस आ गई जी। जो आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि एक जेलम वाली मादी नई बाहर निकाली है, उड़ाई नहीं थी लेकिन बाद में उड़ना शुरू कर दिया था इसने। ये नीचे है जी, वो कड़ी पड़ी हुई है, वो ऊपर गई है। तो दोस्तों कड़ी छड़ी भी किसी ने उतार ली है, कॉल छाल नहीं की, तो किसी ने समझा कि ये नई मादी है, नया परिंदा है, तो उसने कड़ी छड़ी उतार के, ये देखें जिसके पाँव में कड़ी नहीं है, बाकी को देख लें, ये गई है, बाकियों के पाँव में कड़ी है दोस्तों। तो उसका भी शौक करवाते हैं, इसको वैस भी दाना डाल रहे हैं, अंदर का रहे हैं जी। आज तो हमारी गुड लक हो गई जी, नसीब कोई साथ दे रहे हैं जी दोस्तों। हम तो अपना कबूतरों के साथ लगे हुए, देखा तो ये ऊपर बैठी हुई आगे। बाकी दोस्तों आपको वो जो मादियाँ रही थी उनका भी शौक करवाते हैं, एक जेलम वाली मादी थी और एक वो टेडन मादी थी। खोलूं खिड़की, उड़ जाएगी ना यार। दोस्तों बंद नहीं हो रही, इसके चक्करों में वो जो रात रह गई है मादी वो भी बाहर निकल गई है। दाना फेंकना, ये मादी बाहर निकल रही है जो 9:30 बजे बैठी है। उतार इसको, खिड़की खोल दो। चलो जी दोस्तों आपको इस मादी का शौक भी करवाते हैं। ये 9:30 बजे बैठी और दूसरी 11:30 बजे बैठी, ये दोनों मादियों का शौक करवा दूं अगर अपने दोस्तों को। ये बड़ी प्यार वाली मादी है, ये पकड़ यार, बस का मादी का शौक करवा करा। ये जी बच्चा गिफ्ट आया था जी, ये मादी है जी, देखें इसकी 9वीं 10वीं कल रह गई थी ना, बीच में ये बीमार भी हुई थी, ये देखें पर ख़राब निकला हुआ है इसका, ये बड़ी अच्छी मादी बनेगी जी। ये देखें इसकी आँख का शौक करें जी, माशाल्लाह जी, ये इसकी टेल है दोस्तों। ये देखें ये नंबर वाली मेरी कड़ियाँ डली हुई हैं, वो जो मादी हफ्ता पहले गई थी
तो वो आज वापस आई है, तो उसके पाँव में कड़ी भी नहीं है। ये भी अवैध भाई ने देखी है, मुझे तो पता ही नहीं था। अवैध भाई कहते हैं ये वापस आ गई है, तो देखा तो अपनी मादी थी एक। ये है जी, ये नीले के साथ जो जोड़ा लगा हुआ था जी कल, जो उसके साथ उड़ रही थी, आज इनको गोल करते हैं जी दोस्तों, ताकि बाहर निकल भी आए। तो ये जी जेलम वाली मादी थी जी, ये भी शुरू में मतलब कि इतना सारा मान सम्मान नहीं लिया था, तो भी इसको उड़ाना शुरू किया तो उड़ना शुरू हुई है जी। माशाल्लाह जी, तो चलो जी कैंची शैंची ले के आता हूँ। और दूसरी मादी अंदर की है जो, वो नहीं अंदर हो रही जी, बाहर ही रहने दे, छोड़ दे। तो बाकी जी कैंची शैंची लाते हैं, इनको गोल छोल करते हैं, बाकियों को मार दे डंडा। ये जी वैद भाई ने मार दिया जी पला। ये मादी है जी जो वापस आई है, उसको भी उड़ा दिया जी। अंदर नहीं हो रही थी, बड़ी कोशिश की है अंदर करने की लेकिन हो नहीं रही थी। वैद भाई कहते हैं उसको उड़ाओ, देखिए वापस ही ना चली जाए। हैं तो चलें जी दोस्तों, एक उसकी मादी की आंख भी ख़राब है, एलोफेन का टीका भी लगाना है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं जी। ये जी सुशील लाखी, मादी की आंख खराब है दोस्तों, वैसे पकड़ना। ये देखें जी इसकी आंख खराब है जी, ट्रीटमेंट करने लगे हैं जी इसके साथ। इसको गुपार शार लगा या क्या हुआ है? खराब है दोनों, दोनों खराब हैं। ये देखें जी किस कदर सूजी हुई हैं आंखें इसकी, ये नज़र आ रही होंगी आपको, दोनों ख़राब हैं। अभी इसको लाते हैं जी, टीका लेके आते हैं। हाय 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 हाय, एक तो रेहान शेहान की ये गुड़ियाँ मुझे बहुत तंग कर रही हैं। ये टीका आ गया, हमारा इंजेक्शन की तरह जी, ये आ गया इंजेक्शन, सही है ना? नहीं ये खराब है, उसी की तरह। एक सेकंड जरा, ये पड़ी हुई है दोस्तों। इंसुलिन वाली सिरिंज होती है जी, इसके साथ हम लगाते हैं जी इंजेक्शन। ये है जी दोस्तों टेलोफिन टीका, ये पहले भी मैंने बताया हुआ जी आपको, बड़ा कमाल का टीका है जी दोस्तों। इसको भरते हैं फिर आपको लगा के दिखाते हैं। एक पॉइंट लगाना होता है जी, एक पॉइंट इसके नीचे सीने में हड्डी वाली जगह पे गोश पे लगाना है, और एक एक कतरा इसकी दोनों आंखों में डालना है जी। ये जी दोस्तों ये देखें जी, ये पॉइंट एक ले लिया जी, तो अब वीडियो भी बना रहा हूँ, कैमरा पकड़ रहा है। ये जी इसकी नीचे गोश्त वाली जगह पे लगाना है आपने टीका, पॉइंट लगाएं। एक कतरा इसकी आंख में डालना है जी, बड़ी एहतियात से डालना है जी। बस एक ही साइड पे, इंशाल्लाह ताला ये शाम तक ए वन या सही होगी। बस दूसरी में डाल दे, डाल दे, डाल दे, और एक ही सांग पे डालना है दोस्तों। बस अच्छा जी दोस्तों, ये जी कल नीला कबूतर हमारा बैठा था जी शाम को, उसका भी शौक करवाते हैं आपको, लास्ट इधर लोग। ये जी हमारा नीला कबूतर है जी शहजादा, ये इसकी आँख है जी, इसका पल्ला दिखाते हैं जी आपको। मैंने कहा ज़रा आपको अपने जो मेन कबूतर है उनको गोल करने लगे हैं, साथ साथ आपको शौक भी करवाएं। ये इसका पल्ला है जी दोस्तों, ये देखें, ये इसकी टेल है, ठीक है जी, ये इसके पंजे हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी नीले कबूतर से, इसको गोल करते हैं ताकि ये हमारे बच जाएँ।
आगे काम आ जाएंगे जी दोस्तों। उसका थोड़ा सा ये पकड़ हाथ में, तो भी गोल कर दिया इधर। और कौन सा ये जी दोस्तों, हमारी पैंथर मादी है, ये भी बाजियों में उड़ी हुई है जी, इसका भी शौक करें जी आप। इसको भी गोल करने लगे हैं, ये इसका पार है जी। ये इसकी टेल है जी। मैंने कहा अपने जो मेन कबूतर हैं, मौसम ठंडा हो गया जी, ऐवें ज़ाया करने वाली बात है तो अच्छा यही है कि इनको गोल करके अंदर छोड़ दिया जाए, ताकि हमारे आगे किसी काम आ जाए अगले सीज़न में। ये पकड़ी बस, गोल हो गई। ये जी हमारी नागिन मादी जो 5 दिन बाद वापस आई थी, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि ये क्रीसों में लग गई, ये देखें जी बिल्कुल गंजी हो गई है, जो इस वजह से इसको निकाल भी नहीं रहे थे। इसको भी गोल करते हैं जी। ये जी जो आज रात रह के वापस आई है, 9:30 बजे बैठी है जी सुबह। इसका शौक करवा दिया ना जी, इसका शौक दोस्तों आपको पहले करवाया। इसको भी गोल करते हैं। ये जी साल की नई पट्टी है जी, मादी बन गई अब तो। इंशाल्लाह ताला ये भी हमारे काम आएगी जी दोस्तों। मामू वाला करूँ तो ये जी दोस्तों, ये भी कबूतर रात अब आया जी, आज वापस आया जी। ये पहले भी कितनी बार रात रह चुका है जी बाहर। ये मामू के घर से बच्चा आया था जी मुझे, ये देखे जी कबूतर बन गया जी, बिल्कुल चीने कबूतर की कापी है जी। इसका भी शौक करें जी। ये इसका पार है जी, काफी लंबा कुंदा है जी इसका भी, पूरा बाज है बाज। तो जो जो दोस्तों उड़े नहीं है, हम उनको उड़ा रहे हैं, उड़ा उड़ा के गोल करी जा रहे हैं जो पीछे रह गए थे नेक कबूतर। इधर आना, तो दोस्तों यही थी जी हमारी आज की अपडेट वीडियो। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं जी आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी, अल्लाह हाफिज़ जी दोस्तों।